गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. आई विल एक्सप्लेन यू सब टॉपिक, द टू मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, सिविल डिसोबीडियंस एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सो द फर्स्ट टॉपिक विच कम्स इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज डिफरेंट व्यूज विद इन कांग्रेस. सो कांग्रेस हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यू अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो वी विल सी हाउ द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यू अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फर्स्ट इन वी विल सी इन टाउन्स. इन टाउन्स वैन सॉरी इसके पहले एक और टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन. एक मतलब उनको एक नई कम्युनिटी बनाई गई थी, लॉर्ड उसमें एक लॉर्ड इरविन को हेड बनाया गया था. तो वैन गांधी जी गिव हिज प्रपोजल गिव इलेवन गांधी जी पुट 11 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इरविन. सो वन ऑफ इट्स डिमांड वॉज टू डिक्लाइन द और रिमूव द सॉल्ट टैक्स. बट लॉर्ड इरविन इग्नोर हिज लेटर. सो द गांधी जी स्टार्ट अगेन स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. And now we will see how different people take civil disobedience movement in different way. So in cities or towns, the people take civil people leaves the schools, college, and judge, lawyer stop going to court, and other government officials stop working. After sometimes after some year, after one year. The Lord Irwin again called Gandhi ji, and he made a treaty called Gandhi Irwin treaty. They both signed, उन दोनों के बीच ट्रीटी साइन हुई और समझौता कर ली और उन्होंने मान गए जो हमारी राय वो थी, पर सॉर्ड लॉ को हटाने के लिए नहीं माने थे. और अब देखते हम कंट्री साइड में कैसे ये रिवॉल्यूशन हुआ था. इन कंट्री साइड इन द विलेजेस देर आर टू टाइप ऑफ पीजेंट, वन हु आर वेरी रिच एंड वन हु आर वेरी पुअर. एंड देर आर सम लैंडलॉर्ड्स इन देयर विलेज. सो र्यूमर वॉज स्प्रेड इन कंट्री साइड दैट गांधी जी हैज स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड मतलब एक र्यूमर सी फैल गई थी कि क्या बोलते हैं गांधी जी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया और वॉयलेंस करने बोल रहे. बट गांधी जी नेवर वॉन्ट वॉयलेंस टू इन वॉयलेंस इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. फिर जब यहाँ जो विलेज थे वहां पे जो वहां के पीजेंट्स थे, पीजेंट्स स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड्स. And house of landlords, they burned the house of landlords and they looted the market. So after hearing about this जो ये हुआ था सुनने के बाद गांधी जी को बहुत बुरा लगा, फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिए थे. और कंट्री साइड में एक नए हीरो अ न्यू हीरो कम्स अप एंड हिज नेम इज बाबा रामचंद. इन कंट्री साइड ही वॉज हीरो फॉर एवरी पीजेंट्स. एंड ही वॉज एन मतलब वो एक ऐसे नेबर थे जिनने अपना डेब्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, मतलब अपना टैक्स क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उनको फिजी लेके गए थे कि वो अपना जो डेब्ट है उसको क्लियर कर पाए. सो इन नेक्स्ट वी कैन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज. इन हियर वन मोर हीरो कम्स अप हुज नेम इज अलूरी सीतावन राजू. He was a tribal, we can say he was a tribal hero. He, मतलब उनने जो हमारी जो government थी उसके साथ protest, उनको protest किया था, उनके against में बोले थे. तो जो वहाँ की tribal population थी उनके लिए वो एक hero बन गए थे, क्योंकि in end मतलब at the end जब चल रहा था moment तो एक time आया था जिसमें उनको पकड़ लिया गया था और उनको मतलब execute कर दिया गया था.
So our next topic is formation of Simon Commission. After this, all this happens, the British government get warned. ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वॉर्न हो गई थी, मतलब उनने अब देख लिए थे कि अब जो ये इंडियंस है अब अपना वो कर रहे हैं, मतलब अपनी मनमानी चला रहे हैं हमारे ऊपर, हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट दे मेक अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल विच, मतलब अब जैसे हमारे इंडिया में पूरा ब्रिटिश का रूल था हमारे इंडिया का, मतलब जैसे अब ये हमारे अभी जो प्रेजेंट इंडिया है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है जो वो हमारे इंडिया की है, पर जो उस टाइम इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था तब दैट टाइम द ब्रिटिश काउंसिल वाज देयर. ब्रिटिश काउंसिल मेड अ न्यू कमीशन नेम एज साइमन कमीशन एंड द हेड ऑफ वाज साइमन, लॉर्ड साइमन. उन्होंने ये मतलब कम्युनिटी बनाई थी और ये कम्युनिटी का वर्क ये था कि ये जो हमारे वर्किंग है हमारी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे जो वो पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, मतलब कैसे कंट्री को रन करना है ये वो ये डिसाइड करेंगे. सो इन दिस कमीशन नो इंडियन वेयर एज पार्टिसिपेंट. ऑल द पीपल हु वर देयर वाज ब्रिटिशर्स. सो दिस मेड दी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड अदर पीपल ऑफ कंट्री एंग्री. सो दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी साइमन कमीशन एंड दे मेड अ स्लोगन साइमन गो बैक एंड दे प्रोटेस्टेड एंड दिस कमीशन वॉज ब्रेक्ड आफ्टर सम ईयर्स. सो अवर नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज. स्वराज मीन्स, अब स्वराज मतलब हो जाता है कि हमारी हमारी कंट्री है तो हमारा ही यहाँ पे जो रूल रहेगा, हमारी हमारे हिसाब से कंट्री चलेगी, हमारा हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए ऐसा. तो जो पूर्ण स्वराज है इसमें गांधी जी पहले एक मूवमेंट कर चुके हैं खलीफा के साथ, जो खलीफा मूवमेंट हुआ था उसमें अली ब्रदर्स और जो थे उनके साथ मिलके मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एक होके जो मूवमेंट किए थे लार्ज स्केल पे. अब उसको उसमें इनको और हेल्प चाहिए थी, इनको लगा कि हमको अपने जो अपनी जो पीपल है हमारे इंडिया के उनको ट्रेन करना चाहिए हमको, मतलब क्योंकि अब जो अब इंडिया को पहले तक तो ये था कि हमको अपनी जैसे आपकी गवर्नमेंट है तो हमको उसमें 50% आपकी हो 50% हमारी हो. पर अब जो जवाहरलाल नेहरू सेड दैट वी वांट अवर अवर होल कंट्री शुड रन इन अवर कंट्रोल नॉट इन अदर्स कंट्रोल. सो इन 26 जनवरी 1930 ही डिक्लेयर दैट इंडिया विल मेक इन दिस डे इंडिया विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. So he also made a new constitution for India, and the second now we can see Salt March. As I have told you in Gandhiji ne bola tha ki mujhe salt jo salt pe tax lag raha hai wo hatao. To jo British government thi usne mana kar di thi na, usko ignore kar di thi. So after some time from Sabarmati Ashram in Gujarat, Gandhi ji and his 70 reformers start walking. 76 reformers उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी गए थे, जो एक it is a coastal place in Gujarat. So the distance between the Sabarmati Ashram to Dandi was of 240 miles, and they walked 10 miles per day. And in 24 days, they reached to Dandi. They start moving from Sabarmati Ashram from 31st January. 31st January and they reached the Dandi at 6 April.
So when he reaches there, he take salt in his hand and start break the salt law and start manufacturing. The people of India and Gandhiji start manufacturing salt in India at their industries. एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों एक अलग ऐसे इम्पोर्टेंट वो क्यों लिए थे. सो इसका आंसर है गांधी जी थॉट दैट सॉल्ट इज अ बेसिक थिंग विच एन इंडियन एंड मुस्लिम और रिच और पुअर ऑल यूज. सो वी शुड टेक ऐसा सिंबल यूज करना चाहिए हमको जिससे सब एक साथ आ जाए. मतलब जैसे अब कोई चीज लेंगे हम जो पुअर के लिए तो उसमें पुअर ही बस इन्वॉल्व करेगा ना, रिच तो इन्वॉल्व करेगा नहीं. वो बोलेगा कि मेरे मतलब का तो है नहीं, मैं क्या करूंगा उसमें, तो वो छोड़ देगा. पर जो सॉल्ट है वो सबकी बेसिक नीड है, हम भी हमारी भी है, रिच है उसकी जो पुअर है उसकी. तो गांधी जी ने इसलिए सॉल्ट को बेसिक लव वो समझे थे, लव एक अपना वेपन समझे थे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए. नेक्स्ट कॉलिंग ऑफ डिसोबीडिएंट मूवमेंट. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वॉयलेंस क्रिएट हो रहा था तो गांधी जी को अच्छा नहीं लगा था, मतलब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एज गांधी जी वॉन्ट नॉन वायलेंस एंड ही वॉन्ट फ्रीडम इन अ ट्रूथ वे एंड नॉन वायलेंट वे. सो ही गेट वेरी अपसेट एंड ही स्टॉप द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. नाउ relaunching of civil disobedience movement. In this, before this calling of civil disobedience movement, one meeting was there. The name of meeting was round table conference, which was in Britain, held in Britain. In this, the meeting, the topic was covered was to how to rule India or how to make changes, how to, what to make, what laws to be made. But the problem was in this meeting, the Gandhiji was not allowed to enter. He was not invited in this meeting. So the reason for behind the relaunching of civil disobedience movement was one of the reason was this, that he was not he was ignored. He was not allowed to join the meeting. Then after some time, second round table conference was held. The conference held, and the British government doesn't cooperate with Indians. And that time, the Jawaharlal Nehru and other leaders were in prison. When the Gandhiji returned from the Britain, people were in prison and no one and the Congress party was declared illegal or illegal. The Congress party was declared illegal. और यहाँ पे एक और रीजन बन जाता है जो गांधी जी मतलब और उनको गुस्सा आया तब कि जब गांधी जी ने बोले थे कि जो हमारे रिफॉर्मर्स और जो जवाहरलाल नेहरू है वो जेल में है, उनको अब बाहर निकालिए. तो उनने पहले एक बार में उनको मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो जेल में ही रहेंगे. वेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, देन ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू एंड अदर वेयर इन जेल. सो दिस मेक गांधी जी एंग्री एंड ही रीलॉन्च दी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. आफ्टर सम टाइम लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी लॉर्ड इरविन ने कन्वेंस मतलब मान गए थे, समझौता करने के लिए मान गए थे. आपको मैंने पहले बताया था. और जो राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, यहाँ पे एक और आ जाता है जो दलित्स होते हैं, जो लोअर कास्ट के पीपल है. एंड सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग बी आर अम्बेडकर वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग. सो ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखे थे कि हमको भी मतलब एक चाहिए था. स्टेटमेंट वॉज वी वॉन्ट अ सेपरेट सीट्स इन वी वॉन्ट सेपरेट इलेक्शन सेपरेट मतलब एवरीथिंग. जैसे हमको सेपरेट इलेक्शन चाहिए, अपनी कम्युनिटी अलग सी कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो दलित से उनको लोअर क्लास का मानते थे, मतलब जो द रिच पीपल और द मिडिल क्लास पीपल हुवेयर दे
they have separate ponds, wells, and lakes, and the rich, the Dalits were have different wells because they were known as untouchable peoples. So for welfare of their for welfare of them, B.R. Ambedkar gave a statement in second round table meeting, but गांधी जी ने स्टेटमेंट को एक बार में ही मतलब रिजेक्ट कर दिया. उनको आर्ग्यू कर रहे थे उस स्टेटमेंट के लिए कि हम नहीं देंगे. तो पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बी आर अम्बेडकर की बात मान ली, उनको देने के लिए रेडी हो गए. सो आफ्टर दिस व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, ही स्टॉप ईटिंग फूड. ही मतलब हड़ताल भूख हड़ताल जो बोलते हैं उसमें गांधी जी भूख हड़ताल में चले गए थे. वो जब तक वो बोल रहे थे कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक मैं मर ना जाऊं. सो आफ्टर सीइंग दिस बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी मेड अ न्यू ट्रीटी नोन एज पूना पैक्ट. इन दिस एक्ट दी इसमें था कि जो दलित्स है, जो लोअर क्लास के पीपल हैं, उनको एक सेपरेट मतलब सेपरेट तो नहीं मिलेगा, जो हमारी काउंसिल है उसमें इनको अलग से रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन मिल जाएगा. द नेक्स्ट इज द लिमिट्स. एज आई टोल्ड यू द ऑल द स्कूल स्टूडेंट एंड द कॉलेज स्टूडेंट लीव देयर स्कूल्स एंड लॉयर्स एंड जजेस स्टॉप गोइंग टू कोर्ट. As in India, at that time, there was not a proper institution and other things which can, other things with, मतलब जैसे कोई और thing नहीं थी जिससे lawyer और वो जो judge है वो कुछ और कर सके. So they have to rejoin the schools and the lawyers and judges have to go to courts. और इसी में जो हमारा सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था उसमें गांधी जी ने बोला था कि जो फॉरेन क्लॉथ्स है, जो फॉरेन गुड्स है, उनको आप बैन कर दिया, उनको रिस्ट्रिक्ट करिए यूज करना. और लिक्वर शॉप जो थी उनको भी बंद करा दिए थे. पर फिर जो खादी, गांधी जी ने बोले थे खादी का यूज करो, बट खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज खादी वॉज हैंडलूम हैंडमेड क्लॉथ. सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय. ऑल दी पीपल कैनॉट अफोर्ड दैट खादी. So they have to again they got dependent on the foreign goods. Next, these were the limits of civil disobedience movement. Next was Hindu-Muslim clash. The Congress start making alliance with different parties. One of the party was Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha was a religious part, religious group or party. आप कुछ बोल सकते हैं group, religious group था. और इसने Congress और जो ये Hindu Mahasabha थी, इनने एक coalition alliance बना लिए थे. So this made Muslim leaders and Muslim people वो डर गए थे कि क्या बोलते हैं कि जो ये हिंदू है ये अपनी कोलिशन बना रहे हैं, ये हमारी राइट्स को अलग ना कर दे. क्योंकि बिकॉज ऑफ खलीफा मूवमेंट द हिंदू मुस्लिम केम टुगेदर. बट नाउ बिकॉज कांग्रेस वाज मेकिंग अलायंस विद हिंदू महासभा, सो मुस्लिम लीडर गेट्स मुस्लिम पीपल एंड मुस्लिम लीडर गेट्स केयर दैट हिंदू विल सप्रेस अवर रिलीजियस लैंग्वेज, अवर कल्चर. उनको डर आ गया था कि हमारी जो हमारा जो कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, इसको सप्रेस ना कर दे अपनी जब इंडिपेंडेंस के बाद में. सो डिफरेंस बिटवीन हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग आफ्टर जब उनको से डर लगा कि हम ये हमको अलग ना कर दे, तो मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग से अपनी अलग पार्टी बनाना चालू कर दिए थे, अपनी अलायंस बनाना चालू कर दिए थे. और हिंदू मतलब ऐसे जो गांधी जी का जो प्लान था कि हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके सॉर्ट करेंगे प्रॉब्लम्स को, मतलब इंडिपेंडेंस लेके आएंगे, पर वो प्लान गांधी जी का टूट गया था क्योंकि हिंदू महासभा एक अलग वो बन गया था और मुस्लिम अलग अपनी लीग बना रहे थे. और एक लास्ट टॉपिक बचता है, तो मेरा इतना ही टॉपिक था. थैंक यू. एनी क्वेश्चन?
Any question? पूछा भी उसने? Fifth topic explain नहीं किया आपने बोला। कौन सा fifth? Sense of character block। मैं मना कर दूँ। Any question? कोई question नहीं है। कांग्रेस और बिकॉज ऑफ द अलायंस अलायंस ऑफ कांग्रेस एंड हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा थी और कांग्रेस थी उसने अपनी एक अलायंस बना ली। सर इन दिस मूवमेंट द पीपल वेयर लीविंग द सर्विस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड स्टॉप यूजिंग द गुड्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन दिस मूवमेंट द हिंदूज वेयर स्टॉप कॉपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स। ओके,